आसिया देवी है और इनके घर में जो आग लगा था और इसका मैं आवेदन बनाया हूँ और सीओ साहब के अंचल साहब किया और मैं अभी आवेदन लिख करके और दो गवाह लगा करके जो मैं सीओ साहब में पदाधिकारी से मेरी बात हुई थी उन्होंने बताया था कि जो इनका आग लगा है घर का आप उनका इनके एक आवेदन बना लीजिए अंचल पदाधिकारी के नाम से। और जो मेरे जो व्यूवर मेरी वीडियो देख रहे हैं मैं उनको भी मैं एक तरह से मैं अपना एक तरह का ये जानकारी दे दूँ अगर किसी भी घर में या किसी भी जगह पर अगर आग लगता है उसका क्षतिपूर्ति के लिए गवर्नमेंट 9000 रुपये तक लास्ट उसका यानी कि मिनिमम उसका ये यानी कि अनुदान राशि है। अगर कोई क्षतिपूर्ति होता है तो उसे 9000 तक का अंदर यानी कि उसको आपको अनुदान राशि मिल सकता है। इसलिए मैंने अभी जो आसिया देवी है मेरी जो मेरे वार्ड नंबर 14 के जो आसिया देवी गरीब टोला में जिनका ये डेट जिनका ये घर में आग लगा था और उस आग लगने के दरमियान मैंने इनका जाकर खुद निरीक्षण भी किया। निरीक्षण करने के बाद मैंने फिर पदाधिकारी से मैंने बात किया पता चला कि अगर एक नगर परिषद जोगबनी में ये आवेदन नहीं लिया जाता है ये आवेदन अंचल पदाधिकारी सीओ साहब के नाम पे ये जाएगा। ये आवेदन फिर वहाँ देने के बाद और वहाँ से फिर वो फॉरवर्डिंग करेंगे कर्मचारी को कर्मचारी फिर वो क्षेत्र पे जहाँ पर आग लगी है वहाँ पर वो निरीक्षण करेंगे निरीक्षण करके वो रिपोर्टिंग देंगे उनकी रिपोर्ट के आधार पर इनका यानी कि अनुदान राशि इनका बैंक अकाउंट के जरिए जाएगा। ऐसे इसमें डॉक्यूमेंट जो लग रहा है जो बता दूँ जो इसमें डॉक्यूमेंट आपका यानी कि आवेदन लगेगा अंचल पदाधिकारी के नाम से जिसमें आवेदक का साइन होगा और आवेदक का आधार कार्ड है और आवेदक का राशन कार्ड और दो गवाह का आधार कार्ड और आपको बैंक अकाउंट आवेदक का लगेगा और इसमें जो फ़ोटो है जो फ़ोटो आग लगा था मैंने उसका ये फ़ोटो मैंने खिंचवा लिया था चार प्रति में ये फ़ोटो सब खिंचा हुआ है करेंटली वो फ़ोटो में मैंने इसमें संलग्न कर दिया हूँ और इसमें मैं अपना मैं खुद वार्ड पार्षद जो मोहम्मद हुसैन अंसारी वार्ड नंबर 14 का मैं उसके आपको लेटर पे मैं अपना यानी कि मोहर और सत्यापन में कर दिया हूँ। मैंने स्थल निरीक्षण करके मैंने देखा उसमें मैंने सत्यापन कर दिया हूँ कि ये सत्य आवेदक है और इसके दो गवाह का मैं इस पर वेरिफिकेशन भी करके लगा दिया हूँ और ये आवेदन अब ये हमारी जो आवेदिका है ये अब अंचल पदाधिकारी की अब जाएंगे और किसी कारणवश अगर नहीं जाते हैं तो मुझे ही जाके वो सबमिट करना होगा। और ये बारिश भी हो रही है बहुत यहाँ पर दो दिन से मौसम ख़राब है और बारिश की वजह से नहीं जा पा रही है तो मैं इस आवेदन को इनके जरिए वहाँ पर मैं सीओ साहब के यहाँ जमा कर दूँगा और जमा करने के बाद फिर वहाँ से जल्द इनके यानी कि रिपोर्टिंग इस पर हो जल्द से जल्द इनको यानी कि जो अनुदान राशि जो लाभ है उसको लाभ मिल सके। मेरी ये उम्मीद है कि आसिया देवी का जो ये लाभ है उनको जल्द से जल्द मिल सके और ताकि इनके यानी कि इनके जो परेशानी जो घर में क्षतिपूर्ति उसको पूरा कर सके। चलिए मैं इसी बात पर अपनी बात को विराम करता हूँ और मैं इस बात को आगे के लिए करता हूँ इनका आवेदन को मैं सीओ साहब के लिए जमा करने के लिए जा रहा हूँ। नमस्ते धन्यवाद जी। अभी मैं एक आवेदन लिखा हूँ बंसावली के संबंध में अभी बंसावली का जो अभी बन रहा है जो परेशानी हमारी वार्ड नंबर 14 के साथ साथ है और हमारे वार्ड नंबर 2800 वार्ड के जनता के साथ जो परेशानी हो रही है बंसावली बनाने का अभी मैं जी सीओ साहब के पास किया तो सीओ साहब बोले कि अभी मैं नहीं बना सकता हूँ नगर परिषद के जनता का मुझे पंचायत का ही आदेश है लेकिन नगर परिषद का भी नहीं बन पा रहा है। कुछ दिन पहले हमारे चेयरमैन साहिबा भी बना रहे थे वंशावली वो भी अभी ब्रेक कर दी क्योंकि उन्हें कुछ लिखित चिट्ठी में नहीं मिला है इसलिए हमारे जनता लोग बहुत परेशान हैं बंसावली बनाने के चक्कर में क्योंकि दर दर भटक रहे हैं कभी सीओ साहब किया कभी चेयरमैन साहब किया कोई इनका कोई लिखित कोई चिट्ठी नहीं मिल पा रहा है। मैं भी जाके बहुत परेशान हुआ हूँ सीओ साहब से भी मेरी बात हुई उन्होंने बताया कि मुझे अभी इसका आदेश नहीं मिला है इसलिए अभी मैं उसको ब्रेक किया हुआ हूँ और मैं बंसावली नहीं बना रहा हूँ और साथ ही साथ जनता लोग परेशान है बहुत सारे बंसावली लोग हैं और जो चेयरमैन साहब भी कुछ दिन पहले बना रहे थे फिर वो ब्रेक कर दिए कि मुझे वो लिखित चिट्ठी नहीं मिला जिसकी वजह से हम अभी बंसावली नहीं बनाएंगे जिसकी वजह से मैंने एक अपने लेटर पैड पर अपना कार्यपालक पदाधिकारी जो हमारे नगर परिषद जोगबनी के पदाधिकारी साहब हैं मैं उनको अपरिचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय दोनों को मैं एक चिट्ठी लिख करके मैं दे रहा हूँ। ये जो मैं एक चिट्ठी लिखा हूँ ये आप देख सकते हैं इस चिट्ठी को मैं अभी यहाँ दे रहा हूँ पदाधिकारी साहब को ताकि इस पर वो ध्यान दें। मैंने चिट्ठी में लिखा है कि मैं इस चिट्ठी लिखा हूँ कि आपको मेरे वार्ड नंबर 14 के साथ साथ सभी वार्डों के बंसावली बनाने का जो समस्या आवेदक को हो रहा है इस समस्या से कृपया करके मेरे वार्ड नंबर 14 के साथ साथ सभी जनतागण का समस्या का निवारण किया जाए एवं सही दिशा निर्देश दिया जाए ताकि आवेदक आसानी से अपना बंसावली बना सके। जी मैं ये आवेदन कार्यपालक पदाधिकारी साथ साथ परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों को मैं दे रहा हूँ
और मैं उम्मीद करता हूं कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई होगा और हम लोग को एक सही गाइडलाइंस मिलेगा बंसावली बनाने का, कि ताकि एक परफेक्ट रूप से बंसावली बन सके, क्योंकि बहुत सारे आदमी का बंसावली के जरिए बहुत सारा काम रुका हुआ है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। बंसावली एकदम समझिए बहुत एकदम अर्जेंट चीज़ ऐसा है जिसको रोकना बहुत ही परेशानी का घर है। आज हमारे ख्याल से 2-3 महीना से बंसावली बनना ब्रेक है, सही से नहीं बन पा रहा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आवेदन देता हूँ, मैं ये आवेदन देने के बाद हो सकता है कि बहुत सारा जल्द से जल्द कोई कार्रवाई होगी और हम लोग को एक सही सा गाइडलाइंस हम लोग सही रास्ता मिलेगा ताकि बंसावली हम लोग बना करके अपना लाभ उठा सके। चलिए मैं अभी आवेदन में अभी पदाधिकारी साहब को देने के लिए जा रहा हूँ। और मेरा एक और मांग है हमारे कार्यपालक पदाधिकारी साहब से कि आज हम लोग आधार केंद्र के लिए आधार कार्ड के लिए हम लोग को फरीदगंज जाना पड़ता, बहुत परेशानी उठाना पड़ता, बहुत दिक्कत उठाना पड़ता। अब मैं इससे पहले भी मैं लिखित आवेदन में दिया था मैं पिछला बोर्ड मीटिंग में, ताकि आधार केंद्र का जो हम लोग जो पहले जो वही नगर परिषद में पहले चालू था तो नगर पंचायत में पहले चालू था, अब तो वो नगर परिषद हो गया, अब तो इसको ऑलरेडी चालू हो जाना चाहिए था। अब बहुत सारे हमारे जनता को बहुत सारे दिक्कत हो जा रहा है जो कि यहाँ से जाकर फरीदगंज जाना पड़ता है और वहाँ पर आधार केंद्र में नंबर लंबा लंबा लाइन लगा करके वहाँ पर बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है हमारे इतने बड़े क्षेत्र के जनता को फरीदगंज जाने में। इसलिए नगर परिषद जोगबनी में जो अभी जो जाति निवासी का जो आप RTPS केंद्र खोला गया था, मैं चाहता हूँ कि उसी केंद्र में आपको आधार केंद्र का यानी कि आधार केंद्र का खोला जाए, ताकि यहाँ के जो 2800 वार्ड हमारे वार्ड में 14 के साथ साथ जितने भी सभी जनता गण को आसानी से सुविधा मिल सके। मेरा ये पहल है, मैं लिखित आवेदन भी दिया हुआ हूँ सर को, मैं दोबारा पुनः मैं लिखित आवेदन दे रहा हूँ ताकि यहाँ आधार केंद्र खोला जाए और आधार केंद्र के साथ साथ यहाँ पर जो विलम्ब से जो हम लोग जाति निवासी या आपको जन्मदर्ता मृत्युदर्ता जो हम लोग फरीदगंज जाके जमा करते हैं हम लोग विलम्ब से, उसे भी यहाँ पे लिया जाए, उसे भी नगर परिषद जोगबनी में लिया जाए, क्योंकि RTPS में यहाँ पर जाति निवासी आई बनता आपको जन्मदर्ता हाँ जाति निवासी आई बनता है, लेकिन जन्मदर्ता जो विलम्ब से हम लोग को वहाँ जाकर फरीदगंज जाके जमा करना पड़ता है, बहुत दिक्कत होता है, वो भी हफ्ता में एक बार जाना पड़ता है। मुझे कार्यपालक पदाधिकारी साथ साथ मेरे चेयरमैन घिसे साहब से मुझे अनुरोध है कि इस पर ज़रा गौर फिक्र किया जाए ताकि हमारे 2800 वार्ड के जनता को किसी तरह कोई दिक्कत ना हो और उसको आसानी से यह सुविधा मिल सके। ये हमारे मौलिक सुविधा है जो बहुत ज़रूरी है, बहुत निहायत ज़रूरी है। और जो भी हॉस्पिटल का जो बात मैं कह रहा हूँ कि हॉस्पिटल भी हॉस्पिटल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम लोग मेडिकल हम लोग को सुविधा नहीं मिल पा रहा जिसके वजह से हम लोग परेशान हो पा रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि इस तरह का हम लोग को सुविधा मिले मेडिकल का और हमारे साथ साथ जितने भी जनता को जो फैसिलिटी है और सुविधा का उसको सुविधा मिल सके। चलिए मैं इस बात पे मैं और भी मांग करना चाहता हूँ हमारे पदाधिकारी या कार्यपाल पदाधिकारी साहब चेयरमैन भिसी साहब से, ताकि ये सब जो मौलिक जो हम लोग का जो हक है उस चीज़ को दिया जाए, ताकि हर जनता को आसानी से उसको यानी कि कहीं दूर पे जाना ना पड़े, 12-13 किलोमीटर जाना ना पड़े, उसको आसानी से अपने घर में ही सब चीज़ का सुविधा उपलब्ध हो सके। चलिए अभी हम लोग विकास हो चुके हैं, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, और मैं अनुरोध करता हूँ कि आधार केंद्र और ये आयुष्मान कार्ड जो केंद्र होता है, ये राशन कार्ड जो केंद्र होता है, ये जितनी भी फैसिलिटी जो ब्लॉक में जाना पड़ रहा है वो हमारे नगर परिषद जोगबनी में उपलब्ध हो, जिसके वजह से हमारी जनता को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सुविधा उसका आसानी मिल सके। हॉस्पिटल के लिए हमारी जनता से अनुरोध है कि कृपया आप लोग आगे पढ़े और इस हॉस्पिटल के लिए मांग को यानी कि जल्द से जल्द इसकी ज़्यादा हमारे जो पदाधिकारी है उस पर भी ध्यान दिया जाए इस सब विचार पर, और जो मेन काम है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और उम्मीद करता हूँ कि इस बात पर हमेशा आधार केंद्र जल्द से पुनः खोलने का इस पर को विचार किया जाएगा और उम्मीद है कि बोर्ड मीटिंग में भी इस पर लिया जाएगा।